हाय गाइस, आज का ये जो वीडियो है इट्स अबाउट हेयर ऑयलिंग, ऑयल योर हेयर एंड हाउ टू मसाज योर हेयर। अभी मैं पैराशूट ऑयल हेयर ऑयल यूज़ करती हूँ अपने बालों के लिए। मैंने अपना वो जो ऑयल है वो वॉर्म कर लिया है, इट्स नॉट हॉट। मैंने अपना जो तेल है वो गरम कर लिया है, वो हॉट नहीं है, वो वॉर्म है, बिल्कुल गरम नहीं किया है, गुनगुना तेल किया है। और गुनगुना करने से तेल जो है वो स्कैल्प में बहुत अच्छे से जाता है। तो मैं अपना हेयर ऑयलिंग का प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप प्लीज़ देखिएगा। और मैं आपको हेयर मसाज की टिप्स भी दूंगी कि हम कैसे अपने बालों को मसाज करें जिससे हमारे बाल जो हैं वो कम से कम टूटें, ऑयलिंग करते वक्त हमारे बालों का कम से कम लॉस हो। फर्स्ट थिंग आई गोना शो इन दिस टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट हेयर ऑयलिंग, हाउ टू डू द ऑयलिंग इन योर हेयर, अपने बालों में तेल कैसे लगाएं। और उसके बाद सेकंड थिंग विल बी हाउ टू मसाज योर स्कैल्प, मसाज योर हेयर, और अपने बालों की मसाज कैसे करें। जिस ब्यूटी है वो बालों से ही होती है और वो बनी रहे, वो मेंटेन रहे। सो फॉर दैट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू सी दिस वीडियो, जॉइन मी, थैंक यू। सो गाइस, सबसे पहले हमें लेना है, ये यूज़ कर सकते हैं और यू कैन यूज़ द ब्रश। सो एट फर्स्ट वी नीड टू कॉम आवर हेयर with a slow hand. Make a divider at the center with the help of comb. Make a डिवाइडर विद एट द सेंटर एंड देन कॉम्ब योर हेयर। सबसे पहले हमें एक कॉटन बॉल लेनी है और उसे ऑयल में डिप करना है, सोक करना है, और उसके में उससे एक्सेस ऑयल स्क्वीज कर देना है। उसके बाद हमें थोड़ा थोड़ा करके ऑयल अपने बालों के सेक्शंस बनाने हैं कॉम्ब से, और थोड़ा थोड़ा ऑयल हमें बालों की रूट्स में लगाना है। ध्यान रहे कि हमें तेल सिर्फ जड़ों में लगाना है, बालों के ऊपर नहीं लगाना है। उसके लिए हमें अपने हाथों से ही, अपने फिंगर्स की हेल्प से अपने बालों में सेक्शंस बनाने हैं, और दूसरे हाथ से हमें ऑयलिंग करनी है बालों की रूट्स में, बालों की जड़ों में। ऐसे हमें तेल बालों पर नहीं लगाना है, क्योंकि बालों को तेल की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बालों की जड़ों को तेल की ज़रूरत होती है। तो जो तेल हम बालों में लगाते हैं उस तेल से हमारे हमारे बालों में डैंड्रफ, हमारे स्कैल्प पे डैंड्रफ हो जाता है, क्योंकि वो तेल ईज़िली नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत शैम्पू करने के बाद भी रह जाता है। तो वो तेल ना बने, वो हमारे बालों में ना रहे, डैंड्रफ ना हो, उसके लिए हमें बालों पर तेल नहीं लगाना है और सिर्फ स्कैल्प पर लगाना है। नॉर्मल ऑयलिंग में जो तेल लगता है वो ईज़िली शैम्पू से रिंस हो जाता है। बाद आप थोड़ा सा ऑयल अपने हाथ पर ऐसे ले लीजिए और आप अपने बालों को एक साथ आपको बहुत ही माइल्ड प्रेशर के अपने बालों को मसाज करना है। आप ऐसे कीजिएगा और
मेक श्योर आपके बाल ना टूटें ऐसा करते वक्त। और हमें बालों को मसाज हमें यहाँ नीचे से पकड़ कर भी हम यहाँ से ऐसे करेंगे, इकट्ठा कर लीजिए और बालों को मसाज करना, उनको ऑयल करना स्टार्ट कर, ताकि हमारे बालों में अच्छे से चला जाए। फिर अपने बालों को मसाज करने के लिए हमें अपने बालों को ऐसे हाथी हाथों से मसाज देनी है, बट मेक श्योर कि आप बहुत ही जेंटली करें, ब्रेकेज बहुत ज़्यादा होगा और ज़्यादा बाल टूटेंगे। तो ऐसा करने के बाद आप bind them with the help of a plunger and then start massaging the other side. Take the oil on your hand again, rub them on your palm, start massaging your other side of the head. Use the tip of your finger to gently को हाथों में रब करने से तेल गर्म हो जाता है, जो हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। Try to do that and always rub your hands with the oil. Use your both the hands to do it. And then let's so this is the oiling part, guys, how to oil your scalp and how to oil your hair. So now the second part is how to massage your scalp. For that you need the help of your fingers and your hands, so let's do it with that. So what we need to do is, first of all, we need to do the zigzag with the help of your finger. Make a zigzag on your scalp like this. This is the zigzag I am doing. You can use the other hand side by side so that this is the scalp massage technique. Do the zigzag, then do the some circular motions, make some circles with your hands like this, draw circle. So use so make circles both the sides of your scalp, palm, and press your palm on your scalp like this. But do it gently so that the hair doesn't get damaged or broken. I'm using my fingertip to separate my hair. Using the pressure of my palm like this. So this is the fourth technique you can use. Let me show you. With this fingertips I have separated the hair. Now I am putting the pressure by my palm on my scalp. So these are the techniques you can use while massaging your head and form of your palm. Do it. Then comb your hair. Make sure you don't make tangles in your hair while doing the massage. ऐसे tangles बनने से आपके बाल ज़्यादा टूटेंगे और आपका hair loss होगा। तो
ऑयलिंग करते वक्त और मसाजिंग करते वक्त हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे बालों में टैंगल्स ना बने। कॉम्ब योर हेयर अगेन एंड वाइंड देम। In a bun or and then use a hot towel क्योंकि अभी मेरे पास क्लॉपेंस नहीं है, सो आई एम यूजिंग दिस क्लचर ओनली, सो यू कैन दिस ऑल्सो। एंड आफ्टर दैट यूज हेयर ड्रायर टू गिव द स्टीम टू योर स्कैल्प एंड द रूट्स ऑफ योर हेयर। स्टीम मिलेगी और आपके इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेयर। और ये करने के बाद आप और ये स्टीम देने के बाद आप अपने बालों को 5 मिनट्स के लिए टॉवल रखिए और उसके बाद आप टॉवल खोल दीजिए। एंड देन कीप योर हेयर लाइक दिस फॉर एट अराउंड 10 to 15 मिनट्स एंड वॉश योर हेयर विद कोल्ड वाटर। अपने बालों को ठंडे पानी से धो लीजिए, आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। और गाइस ये आपको मसाज वीक में एक बार ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएं और आप बालों की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो जाएगी और आपकी जो हेयर फॉल है वो भी कम होगा, स्टॉप होगा और आपके बाल लंबे और घने हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कॉमेंट दैट वेदर यू लाइक माई वीडियो और नॉट, और whether it's beneficial for you or not, and subscribe to my channel. Keep watching, have a nice day, bye bye.